तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग के A52s के नए अपडेट के बारे में, जो कि रिसेंटली आज ही इंडिया में रोल आउट किया गया है। क्या ये अपडेट है, इस अपडेट में क्या मिलने वाला है, सारी डिटेल आपको आगे मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ A52s के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर मोबाइल की सेटिंग्स पर। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर नीचे सैमसंग सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन में, एंड देन जहां चले जाना डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे। तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। नीचे की तरफ देखेंगे इस अपडेट में क्या नए चेंज किए गए। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी को चेंजेस किया गया है, मतलब सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया गया, डिवाइस की स्टेबिलिटी इंप्रूव की गई है, कुछ नए इनहांस फीचर एड ऑन किए गए और फर्दर इंप्रूवमेंट किया गया। और इस वर्जन नंबर है इस अपडेट का 1.6.1 और एंड्रॉइड 14 है। और इसके अंदर आपको सिक्योरिटी पैच मिलने वाला 1 जून 2024 का। और साथ में इस अपडेट का जो साइज रहेगा 304 MB का ये अपडेट होने वाला है। तो पहले कर लेते हैं इसको अपडेट, फिर देखते हैं। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट होने के बाद मैं इसको फर्स्ट टाइम ही रिस्टार्ट कर रहा हूँ, और रिस्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या नया चेंजेस किया गया। वैसे जो उन्होंने वहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट में कहा था कि कुछ नया इनहांस, कोई नए फीचर एड ऑन नहीं किए गए, बस सिक्योरिटी को चेंजेस कर दिया गया है, मतलब कि सिक्योरिटी का जो लेवल है या सिक्योरिटी जो मंथ है वो हो गया है जून का। अब जून 2024 की सिक्योरिटी आपके सैमसंग गैलेक्सी A52s में अपडेट हो चुकी है। अब इसको अपडेट करने का थोड़ा सा चला के देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा टोटल रिव्यू आएगी कि एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस है, कैसा ये मोबाइल चल रहा है इस अपडेट के बाद, क्या इसमें डिक्रीज कर दिया गया है, क्या इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे इससे पहले वाले अपडेट में हीटिंग का इशू बहुत ज़्यादा आ गया था, मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था। अब देखते हैं इस वाले अपडेट में उन्होंने उसको एक्टिवेशन किया है या और ज़्यादा ही कर दिया गया है। उसमें बैटरी ड्रेन का भी इशू था, इसमें बैटरी ड्रेन होती है या नहीं होती, हैंगिंग का जो भी चीज़ है, सारी चीज़ हम उसको उसके बाद चेक करेंगे। फाइनली हो चुका है फुल ऑन अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको ले गया हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ अवेलेबल। ये हो चुका है योर सॉफ्टवेयर अपडेट कम्प्लीट। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है फुल ऑन। कंप्लीट होने के बाद हम आ गए नीचे की तरफ, यहाँ पर आए सॉफ्टवेयर अपडेट में, एंड देन वहाँ पर आ गए हम लास्ट अपडेट में। अब लास्ट अपडेट में देखेंगे क्या लिखा था। साफ साफ सिक्योरिटी अपडेट किया गया, कुछ इनहांस फीचर एड ऑन किया गया और कुछ सिक्योरिटी को बग किया गया। इस अपडेट का जो साइज था 304 MB का ये साइज है। इसमें 1 जून 2024 की सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर दे दी गई है। अब यहाँ से बाहर आएंगे, आप आएंगे अबाउट फोन में, एंड देन यहाँ जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 1 UI 6.1 ही दिख रहा है, मतलब 1 UI 6.1.1 नहीं आया है, 1 UI 6.1 ही है। और नीचे आपको सिक्योरिटी अपडेट दिख रहा है जून 2024 का। अब इसको थोड़ा सा हम यूज़ करके देख लेते हैं कैसा क्या चलता है। जैसे मैंने यहाँ पर गैलरी को खोल लिया, गैलरी को खोलने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चलने की स्पीड कैसी आ रही है। जो ओपन होने का टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है, फोटोज़ जो उसके थंबनेल के जो दिखता है ना प्रीव्यू, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा लाइक मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट खोल लूँ या मैं कॉन्टैक्ट खोल लूँ, तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन नज़र आ रही है। और कितना टाइम ले रहा है किसी भी ऐप को खोलने में वो आप देख सकते हैं। एनिमेशन जो आपको दिख रहा होगा अप और डाउन वाला, वो भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा लैगिंग करता हुआ दिख रहा है, वो थोड़ा सा लैगिंग करता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको लैगिंग का दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पर इतने सारे कंटिन्यू खोल लिए हैं, आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे यहाँ पर सब कुछ खोल लिया है, मतलब बहुत सारे ऐप्स मैंने यहाँ पर टाइमली खोल लिए और सभी इकट्ठे को खोल लिया है। अगर हम देखें अब यहाँ पर आप इतने सारे ऐप्स मैंने कंटिन्यू खोल लिए, उसके बाद भी यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं उसकी कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंतर। और यहाँ पर हम कैमरे को भी ऑन कर लें, कितना टाइम ले रहा है कैमरे ऑन करने का, इससे ही पता चल जाता है। और फोटो क्लिक करके एक देख लेते हैं, उससे भी यहाँ पर पता चल जाता है कि कितनी ज़्यादा स्पीड है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड में, मतलब कितना ज़्यादा स्लो ये यहाँ पर आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको यहाँ से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अगर आप देखेंगे अब यहाँ पर आप परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, ये ऐसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये ऐसा चलाने में आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी दिख रही है, आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, पर मुझे तो थोड़ा सा हैंगिंग का लग रहा है, आपको खुद भी अपने हिसाब से थोड़ा सा अंदाजा लगा लो कैसे आपको लग रहा है। यहाँ पर हैंगिंग का इशू तो फिलहाल लग रहा है, थोड़ा सा पहले से ज़्यादा थोड़ा सा कम लग रहा है, पहले ज़्यादा तेज था, अब थोड़ा सा यहाँ पर कम लग रहा है। हो सकता है कि अभी रिसेंटली डाउनलोड किया, इस वजह से भी हो रहा हो,
फिलहाल अभी जनवरी रिव्यू यही है। अब इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में फुल रिव्यू दूंगा, एक दिन यूज करके बैटरी ड्रेनिंग हीटिंग सबका आपको नेक्स्ट अपडेट में मिलेगा। फिलहाल यही अपडेट था और यही मेरी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।